क्या हाल चाल है भाई? पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? हाँ, होमवर्क किया है? अरे बोल भी दो, होमवर्क किया है? पिछली क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शंस पढ़ी थी हमने। रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन विथ कार्बोनाइल, और हमने रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अमीन विथ कार्बोनाइल भी किया था। उसके होमवर्क डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं, कॉपी के होमवर्क डिस्कशन से, ठीक है? चलिए, तो भाई वी हैड स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर वन से हो चुका था सेवन तक। वन से सेवन तक हमने क्लास में किया था, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। क्वेश्चन नंबर एट से स्टार्ट करें, सारे लोग देखें। क्वेश्चन नंबर एट से स्टार्ट करें। ये हमारा रिएक्टेंट था सी एच डबल बॉन्ड प्लस, ये था एन एच टू, और ये देखिए मेरे भाई ये वॉटर निकल जाएगा, याद है ये जेड हो गया यहाँ पर आपका बेंजीन, क्या हो गया जेड। तो आपको जो आंसर मिलना था वो आंसर बहुत क्लियर है, वो ये आंसर मिलेगा, ठीक है? सो दिस इज योर आंसर। इमाइन, इमाइन फंक्शनल ग्रुप है इसमें, सेम सेंस में बढ़े। तो भाई क्वेश्चन नंबर नाइन्थ जो है, नाइन्थ ये ट्वेल्थ बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए क्या है रिएक्शन, ये आईआईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा अकल लगानी नहीं। मैंने भाई सारे लोग देखे, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपको लगता है इसमें है क्या, एक एल्डिहाइड है, छोटा वाला, सबसे छोटा एल्डिहाइड है, और अमोनिया है। मैंने भाई अमोनिया को आप ऐसे लिख लो तो ये एनएच टू जेड जैसा दिखेगा, एनएच टू जेड जैसा दिखेगा। फिर यहां से आप जल निकाल दो, जल निकालने की आपकी आदत है। तो मेरे भाई इस केस में ये आंसर नहीं आता, इस केस में ये आंसर नहीं आता, बिकॉज ये इमाइन जो है ये भी अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होता है मेरे भाई, इसलिए ये फर्दर रिएक्शन कर जाता है अपने ही कई मॉलिक्यूल्स के साथ। तो अगर मैं ये ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा सा ये स्क्वायर ब्रैकेट हटाता हूं, प्लस यहां है NH3। आप याद रखिएगा 6 मोल फॉर्मेल्डिहाइड, कितने 6 मोल फॉर्मेल्डिहाइड, 4 मोल अमोनिया से रिएक्शन करते हैं ओवरऑल, और आपको जो आंसर मिलता है वो मिलता है CH2 6N4, आंसर मिलता है CH2 6N4। अगर हम इसके नाम की बात करें तो इसका नाम है हेक्सा, 6 की वजह से आया हेक्सा। CH2 जो है मेरे भाई वो है मेथाइलीन, क्या है मेथाइलीन, CH2 को क्या बोलते हैं मेथाइलीन, हेक्सा मेथाइलीन, और 4 की वजह से क्या बोलते हैं टेट्राएमीन, हेक्सा मिथाइलीन टेट्राएमीन, नाम है नाम इसका, टेंशन नहीं लेना, ठीक है भाई। इसका एक और नाम यूरोट्रोपिन, क्या नाम है भाई साहब यूरोट्रोपिन। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता वो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे रहा हूं, सारे लोग देखे, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन दिख रहे हैं आपको, तो इसे थोड़ा सा करेक्ट कर देते, ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, एक CH2 इसके बीच में, एक इसके बीच में, एक इसके बीच में। तो आप देखो मैंने 3 नाइट्रोजन यूज कर लिए, 3 CH2 यूज कर लिए, ठीक है। अब एक नाइट्रोजन होता है बीचों बीच, आई मीन ये ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है, CH2 यहां CH2 यहां CH2, ये ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है, ये है यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर, इसी में ही है मेरे भाई, नया नहीं है, ये महा इंपॉर्टेंट है, मैं बस इतना कहूंगा ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ना भूलना। हाँ, इसमें रिएक्शन क्या हुई है बाकी रिएक्शन से, फर्दर आगे चलिए, ठीक है। आइए टॉकिंग अबाउट टेंथ, तो टेंथ में अगर आप देखें तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, तो अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाए, ठीक है, तो एक कार्बोनाइल के लिए NH2 जेड कंडेंस करा दो, और ये कंडेंस होते ही क्या देगा आपको, डबल बॉन्ड N NH2 डबल बॉन्ड हो, नाउ यू कैन इजीली ऑब्जर्व कि ये फिर कंडेंस हो जाएगा, एंड वंस इट गेट्स कंडेंस्ड तो आपको क्या मिलेगा बताइए जरा, डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N एंड दिस वन। अब आप देखें, आप चाहें या ना चाहें
एक काम तो होगा ही होगा, वो है टोटमिज्म। मेरे भाई ऐसा क्यों कि आप नहीं चाह रहे हो तो भी होगा टोटमिज्म? इसका रीजन है, आप अगर जरा ध्यान से प्रोडक्ट का नेचर देखें, एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, इसलिए ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट और पूछी जा सकती है। मैं अगला प्रश्न ना बहुत आराम से आपको बता सकता हूँ, सिंपल है। देखिए ये इधर, ये इधर, और इधर क्या है बताइए, NH2OH, सेम स्टोरी चलेगी, सेम। फर्स्ट कंडेंस दिस, उसके बाद ये ऑक्सीजन इस कार्बोनाइल पर अटैक कर जाएगा। और अगर आप वैसे भी देखें तो ऑक्सीजन की जगह NH है, या उल्टा बोलो NH की जगह ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक एच अलग कर लो, NH की जगह O आ गया, तो आंसर में भी NH की जगह क्या आ जाएगा, O। ये भी एरोमेटिक आंसर है मेरे भाई, ये भी एरोमेटिक आंसर है, आप देख सकते हैं, फाइव मेंबर्ड एरोमेटिक। 12th इज अ क्वेश्चन जो आईटी एडवांस में पूछा जा चुका है, 12th इज अ क्वेश्चन जो आईटी एडवांस में पूछा जा चुका है, 12th को एक बार देख लें, 12th में क्या दिया हुआ है वो मैं आपको बताता हूं, इट इज समथिंग लाइक दिस, दो कार्बोनाइल यहां भी है और दिया है अमोनिया एंड एच प्लस, अमोनियम कार्बोनेट है वो भी होगा अमोनिया एंड एच प्लस। तो मेरे भाई आप देखिए कंडेंस हो गया यहां पर, जब ये यहां कंडेंस हो जाएगा तो बताइए यहां डबल बॉन्ड NH आएगा यार, सोचो डबल बॉन्ड NH। मेरे भाई ये वाला पोर्शन जो है इस कंटेनर में अगर हम थोड़ा सा आपसे बात करने का प्रयास करें तो ये ऊपर वाले सेगमेंट का टोटोमेरिक फॉर्म के बारे में सोचो, ऊपर वाले सेगमेंट के टोटोमेरिक फॉर्म के बारे में सोचो, वो ये होगा, यानी रिएक्शन कंटेनर के अंदर एक NH2Z जैसा सेगमेंट है जो इसके साथ कंडेंस हो जाएगा। When it would condense with this, बनने वाली चीज को देखना होगा, इसे देखेंगे चीज, look at this one, it's a five membered again, और अब आप फिर चाहो या ना चाहो इसकी टोटोमेरिज्म को आप रोक नहीं पाओगे, और बनने वाली जो चीज है वो ये पायरोल होगा, क्या होगा, पायरोल, ठीक है, इसे नॉर सिंथेसिस बोलते हैं, पॉल नॉर सिंथेसिस, ठीक है, इसमें हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं, एरोमेटिक हो जाता है ये, देखिए पायरोल, ये हैं वो लगातार क्वेश्चंस जो आपको कॉपी में मिले। अब आप देखिए 13 पर एक नजर डालिए, अमोनिया में NH3 होता है, अगर मैं NH NH3 में दो H अलग करो, NH को सल्फर डाल दूं तो वो H2S हो जाएगा, तो आंसर में भी मैं NH को फाइनली सल्फर लिख दूं, आंसर है ना आसान, मैं हटा रहा हूं ये क्वेश्चंस। लास्ट वाला क्वेश्चन तो देख लें, उसी में NH की जगह मुझे सल्फर रखना है, उसी में मुझे NH की जगह क्या रखना है, सल्फर रखना है, तो मैं 13th क्वेश्चन बताता हूं, सारे लोग देखें 13th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन का आंसर मैं लिख देता हूं, फाइनल आंसर ये आएगा सल्फर, ये क्या है, थायोफ्यूम, डायमेथाइल डेरिवेटिव ऑफ थायोफ्यूम, ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो 14th एंड 12th क्वेश्चन एलाइक, बिल्कुल सेम, 12th में कीटोन एक दूसरे से 1,4 है, एक अगर 1 पर है तो दूसरा 4 पर है, 14th में भी मुझे यही दिख रहा है, 14th में भी आप देखो आपको कार्बोनाइल 1,4 दिखेगा, इफ इट इज 1, 2, 3 एंड व्हाट इज दिस, 5 है मेरे पास, देखिए 1, 2, 3, 4, एक कार्बन और है क्या, एक कार्बन और दिख रहा है क्या, है एक कार्बन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, एक कार्बन एक्स्ट्रा यहां पर है कार्बन। तो मेरे भाई अब अगर हम अमोनिया का अटैक कराते हैं सारे लोग देखो, तो अमोनिया एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पहले किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा या इस पे अटैक करेगा, तो सिंपल फंडा है, ये इलेक्ट्रॉन देने जा रहा है तो जहां प्लस ज्यादा होगा वहां अटैक करेगा, और आपको पता होना चाहिए प्लस नीचे ज्यादा है क्योंकि यहां बेंजीन इलेक्ट्रॉन देकर इसके प्लस को डिमिनिश कर रहा है, यानी कम कर रहा है, तो इस चक्कर में ये अमोनिया यहां अटैक करेगा, तो यहां NH2Z वाली रिएक्शन करा दो,
देखो देखो सारे देखो, ये एल्डिहाइड, ये डबल बॉन्ड NH, ये डबल बॉन्ड NH, NH3Z वाला फंडा। फिर मैंने क्या कहा, सिस्टम में इसकी टॉटोमेरिक फॉर्म कुछ हद तक तो होगी ही होगी, अगर आप ध्यान से देखें तो ये होगा, सही है। और अब ये इसके साथ कंडेंस हो जाएगा, NH3Z टाइप है, इसके साथ कंडेंस होगा, वाटर निकलेगा, बनने वाली चीज। और चीज को कहां देखते हैं, बोर्ड पर, दोनों रिंग एरोमेटिक है भाई साहब, आजू वाली भी एरोमेटिक है बाजू वाली भी एरोमेटिक। ओके, इसके बाद मैंने 16th और 17th दिया था जो सेकेंडरी अमीन से रिलेटेड रिएक्शन है, तो मैं आपको 16th का आंसर बता देता हूं। 16th इज वेरी इजी, और आप अगर इसे बनाएंगे तो आएगा एन। सेकेंडरी अमीन में याद है आपको आंसर, इनेमाइन आता है, इनेमाइन, और प्राइमरी अमीन में क्या आता है, इमाइन। देयर इज अ डिफरेंस, ये 16th का आंसर है। और सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन में मैंने बहुत बड़ा बेनिफिट बताया, रिएक्टेंट था इलेक्ट्रोफाइल, क्या था, सी डबल बॉन्ड, और प्रोडक्ट क्या था, इनेमाइन न्यूक्लियोफाइल। सो इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल्स मिल सकता है। 17th इज अ गुड क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन आ सकता है IIT में, इस टाइप का क्वेश्चन, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये डबल बॉन्ड। जब आप इसकी सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन कराएंगे, क्लियर, तो लास्ट में डेफिनेटली एक पॉइंट आएगा कि ये जो इन आ रहा है ये आजू आएगा या बाजू, और आपका जो अननोन है पी, वो अननोन पी क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टेबल एल्कीन बनने के चक्कर में डबल इधर आएगा, सो दिस इज योर पी। ये देखें आप, और जैसा कि मैंने कहा ये न्यूक्लियोफाइल है और CH3I, अरे अब तो बड़े हो गए हो पढ़ते पढ़ते, बताओ सीएसई क्या करने के लिए पैदा हुआ, SN2, क्या करने के लिए, SN2, कोई न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा। बट नाउ फाइंड विच साइट इज बिहेविंग लाइक ए गुड न्यूक्लियोफिलिक साइट, नाइट्रोजन को अगर मान रहे हो तो गलत मान रहे हो, उसका लोन पर रेजोनेंस कर रहा है, अच्छा बताओ उसका लोन पर रेजोनेंस करके इसी कार्बन पर आ रहा है या नहीं, मतलब भाई दिस कार्बन इज एक्चुअल अटैकिंग साइट। और अगर ये कार्बन एक्चुअल अटैकिंग साइट है तो बनने वाली चीज को देखो, मैं उल्टा करके लिख रहा हूं, दिस इज योर एन, क्लियर, और एन से लगा है ये, देखेंगे जब ये साइट अटैक करेगी तो ये ऐसा घूमेगा, माइनस सीएसटी पे अटैक कर जाएगा, प्लस को नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो मेरे भाई आपको एक सॉल्ट मिलेगा, ये प्लस और साथ में कौन, आई माइनस, सारे देखिए एक क्वार्टनरी सॉल्ट मिलेगा, यहां मिथाइल लग चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स अ क्यू दिया हुआ है, एप्लीकेशन अननोन ऐसा लिखा हुआ है, ये क्यों है भाई, ये कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया, बॉन्ड घूमी इधर, माइनस ने इलेक्ट्रॉन दिया इधर, माइनस ने इधर इलेक्ट्रॉन दिया, प्लस को नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये आ गया मेरे भाई। अब आखिरी स्टेप है हाइड्रोलिसिस, व्हेन वुड यू हाइड्रोलाइज इट, इसे हाइड्रोलाइज करोगे तो शॉर्टकट अपनाओ, HOH, तो इस कार्बन पर कितने OH है, दो, और दो OH हो या फिर समझ गया जल छोड़ देता है, अगर ये जल छोड़ेगा तो आपका जो आंसर आएगा वो ये कीटोन आएगा, देखो मगर बोर्ड पर, ये है आपका फाइनल आंसर, ये है आपका फाइनल आंसर, यू कैन से आर। हालांकि आपको ये वाला पोर्शन क्वार्टनरी सॉल्ट के फॉर्म में मिलेगा, सो दिस इज योर आर। एंड महा इंपॉर्टेंट सेगमेंट आप कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल प्राइमरी अमीन एंड विद सेकेंडरी अमीन, चेक इट आउट, इसे देखेंगे। ओके, मैं ये हटा देता हूं, और अब हम इसी सेगमेंट में आगे की रिएक्शन पढ़ेंगे, ये मैं हटा, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, फिर से सुनिए। बहुत मजेदार सेगमेंट आएंगे आगे के, और अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चलिए आप भाई साहब, हम लाएंगे आपकी फेवरेट चीज, क्या, चला गया अल्कोहल होगा, ऑब्वियस सी बात है,
एक बच्चे तो कह रहे सर वीकेंड पर अल्कोहल की बात मत किया करो, अरे रिएक्शन में करना है भाई साहब, रिएक्शन में आइए देखें, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन, एंड दिस इज एडिशन ऑफ एल्कोहल, आरएच, एडिशन ऑफ एल्कोहल। मेरे भाई तुम नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल अटैक करा रहे जो कि ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल से बेहतर है, फिर भी वहां एच प्लस लेना पड़ा, तो ये कॉमन सेंस है कि ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल जो कि नाइट्रोजन से थोड़ा वीक ही होता है, यहां एच प्लस लेना कंपलसरी होगा। आइए और देखिए बहुत मजेदार सेगमेंट, पूरी ऑर्गेनिक में ये काम आने वाला है। मेरे भाई ये है कार्बोनाइट, अब ये डिपेंड करता है, अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने अल्कोहल लेते हैं, पिछले अगर आपकी कैपेसिटी बहुत, अरे इस रिएक्शन में कितने अल्कोहल लेते हैं वो देखना है आपने। अगर आप एक अल्कोहल लेते हैं, अगर आप एक अल्कोहल लेते हैं, ठीक है एक केस, लेकिन आप कह रहे हैं सर कैपेसिटी अपनी बहुत अच्छी है तो अपन दो ले लेते हैं। ये देख अगर हमने दो अल्कोहल लिया, दो अल्कोहल, तो मैंने भाई इस पर ही हम बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये। अच्छा ये अल्कोहल मॉलिक्यूल्स आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। आइए तो पहले इजी रिप्रेजेंटेशन बताता हूं, सबसे इजी रिप्रेजेंटेशन, दो के केस में, दो के केस में ऐसे हम सिंबॉलिक तरीके से बता सकते हैं ये जल निकल जाएगा, उसी तरीके का जैसे वहां NH2Z और कार्बोनाइल के साथ करते थे वॉटर निकालते थे, उसी तरीके से यहां भी क्या निकल जाएगा बताइए, जल निकल जाएगा। और अगर आप जल निकालेंगे तो बनने वाली चीज क्या होगी, OR, OR होगी या नहीं होगी बताइए, OR, OR ये आ गया। लेकिन यहां अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहां भी आंसर कुछ ऐसा ही लगेगा लेकिन होगा नहीं, यहां क्या होगा, O O एक H होगा और एक R होगा, एक H होगा और एक R होगा, यहां क्योंकि एक ही अल्कोहल है, कैसे क्या सब बताऊंगा। देख दो अल्कोहल है तो मेरे भाई ये वॉटर निकल जाएगा और ये दो बॉन्ड पर ओआर ओआर इस तरीके से लग जाएंगे, ये वॉटर यहां निकल गया। अब आपको पता है मानो या ना मानो एच प्लस तो लेना पड़ेगा, हमने पीएच लेस देन 7 पहले रखा था शुरुआत में भूल गया, यहां एच प्लस लेना पड़ेगा। अच्छा अगर इसकी कैटेगरी की बात करें तो भैया ओआर क्या होता है, ईथर, ओएच क्या होता है, एल्कोहल, ये क्या ईथर, ईथर, तो मेरे भाई इसे हम बोल सकते हैं जेमिनल ईथर, क्या बोल सकते हैं जेमिनल ईथर, जेम वर्ड कब यूज करते थे, जब एक ही एटम पर दो चीजें लगी हो, जब एक ही एटम पर दो चीजें लगी हो तो जेमिनल ईथर बोलते हैं। ये डाई एल्कोक्सी कंपाउंड, ये दो है ना, है क्या एल्कोक्सी, डाई एल्कोक्सी कंपाउंड, ये क्या है ईथर के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो अल्फा हाइड्रोक्सी ईथर लिख देता हूं मैं, अल्फा हाइड्रोक्सी ईथर, ओके। तो ये है एडिशन ऑफ एल्कोहल, जब कार्बोनाइल पर एल्कोहल ऐड होता है तो ये आंसर्स आपको प्राप्त होते हैं। चले करें कैसे हुआ करते, बाकी तो आप शॉर्टकट तो आपको दिख ही रहा है, ऐसे वॉटर खटाखट निकालते रहोगे आंसर आता है। तो एडिशन ऑफ एल्कोहल में मैं आपको बताता हूं कि क्या, ये लिख देते एल्कोहल ऑन एडिशन, ऑन बताइए एल्कोहल का एडिशन करेंगे तो क्या बनेगा, क्या लिखा जाए, क्या बनेगा बताओ बताओ, एल्कोहल ऑन एडिशन विद कीटोन सी डबल बॉन्ड ओ गिव्स, एक तो ये है अल्फा हाइड्रोक्सी ईथर, अल्फा हाइड्रोक्सी ईथर, या फिर और क्या दे सकता है, जेमिनल ईथर, और यहां लिख रहा हूं जेमिनल ईथर, कैसा एज ए प्रोडक्ट, एज ए प्रोडक्ट। आओ बच्चों तुम्हें बताएं इसकी मैकेनिज्म करने का मन कर रहा है, आइए वो भी करेंगे, लेकिन एक चीज बताओ ऐसे ही पूछने का मन कर रहा है, अगर मैं आपको कार्बोनाइल दूं सी डबल बॉन्ड और सोचो फिर से अल्कोहल दे दूं, सारे लोग देखना एच ओ एच ओ, तो क्या आप कर लोगे, आप कहोगे इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, ऐसा खटाक से जल निकाल देंगे, जल निकालने में आप लोग माहिर हैं,
सोचो करना भी यही चाहिए, लेकिन अगर ये अल्कोहल एक सिंगल कंपाउंड के अंदर ही मौजूद है, मतलब डायहाइड्रिक अल्कोहल, एक ही कंपाउंड में दो OH हो, एक ही कंपाउंड में दो OH हो, उस केस में बनने वाली चीज मानो या ना मानो ये होगा या नहीं, बताओ मानो या ना मानो साइक्लिक बनेगा या नहीं, बस देख लो। अरे यार आर आर कनेक्ट है तो इधर भी कनेक्ट कर लो, ये देखो कनेक्टेड था हो गया, ये है क्या वैसे, थाइलीन ग्लाइकॉल, थाइलीन ग्लाइकॉल, बताओ किसकी मैकेनिज्म की जाए, इसकी करें बी वाले की करें या ए वाले की, किसी एक की भी करोगे तो ऑटोमेटिकली सब समझ में आ जाएगा, बी और सी में किसी एक की कर लेते, सी की करें, सी चलो सी आओ। तो मेरे भाई बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म, क्या आपको याद है, क्या तुम्हें याद है, ये एच प्लस क्यों लिया गया था, पिछली क्लास में एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने, पिछली क्लास में ये एच प्लस क्यों लिया गया था, टू इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, इसलिए बोलो सारे बोल एक बार बोलना पड़ेगा, टू इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। चलिए आइए अब हम इस पर अटैक कराते हैं इस न्यूक्लियोफाइल का, दो एल्कोहल है तो एक एक करके बेटा, ऐसे नहीं है एक साथ दोनों, गलत बात, एक एक करके ठीक है, तो ये देखिए ये पहले अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे, ठीक है ये ऐसे घूम जाएगा, बनने वाली चीज को देखो, ये इधर एक इसका OH आ जाएगा, ये पहले डबल था हाँ आजकल सिंगल है, पीछे वाले कह रहा हाँ हमारी तरह, अरे देखो डबल बॉन्ड था, एक घूम गई तो सिंगल हो गया और इस कार्बन पर ये ओ जुड़ गया, ओ ये देखते रहो, ये सेगमेंट इधर वाला ये, और इस ओ पर क्या आ गया प्लस, याद करो सेम मैकेनिज्म चल रही है, वहां एन पर प्लस आया, अगला स्टेप याद है, ये एच प्लस छोड़ देगा, ये एच प्लस छोड़ देगा, और ये एच प्लस छोड़ेगा तो अब देखिए क्या बना, ये यार बहुत ऑक्सीजन है दोस्त, इधर भी इधर भी इधर भी, अब H+ वापस कहां अटैक करेगा ये जानना है, ये H+ वापस कहां अटैक करेगा, एक साइड तो बहुत क्लियर कि यहां अटैक करेगा तो रिएक्शन पीछे चली जाएगी क्योंकि यहीं से तो तुमने हटाया, फिर सर इन दोनों में कंपटीशन, तो मेरे भाई अगर कभी भी दो एल्कोहल और आपको देखना है H+ कहां जाकर वाटर निकालेगा, सिंपल फंडा पहले चैप्टर में पढ़ा था केटायन वाले में, केटायन जहां स्टेबल, सोचो ये वाटर निकला तो प्लस ऑक्सीजन के बगल में बनेगा, और याद आया कुछ सपना, याद आया हर के टाइम का एक सपना होता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं लोन पेयर आइटम का पड़ोसी बनने का, याद आया आपको, तो मेरे भाई टारगेट पर है ऊपर वाला अल्कोहल, टारगेट पर है ऊपर वाला अल्कोहल, ये देखो ये OH2 प्लस एक बॉन्ड चार है, अब लो कार्बन जल छोड़ेगा, कार्बन क्या छोड़ेगा, कार्बन छोड़ेगा जल, और बताओ सी पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस प्लस चार्ज आएगा, तो मेरे भाई ये इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक साइट ये अटैक कर देगा, इंटरनल घर की बात है यार, उधर प्लस आ रहा है इधर ऑक्सीजन पे लगता हूं, बनने वाली चीज और आप देखें बहुत सिंपली सिंपल तरीके से देख सकते हैं ये क्या छोड़ेगा, एच एच वैसे भी कैट है, कैट यू कैन नॉट कंज्यूम कैट, कैट को कंज्यूम करने का सपना मत देखो, कैट मींस कैटलिस्ट, आंसर आ गया, बधाई हो आंसर आया, क्या तुमने नोटिस किया कि जब एक ही एल्कोहल ने रिएक्शन की थी तो इस कार्बन पर एक OH था और एक OR था, ये वाला आंसर, एक OH था और एक OR था, So, अगर अल्कोहल ज्यादा नहीं तो हम एक ही इथर लगाएंगे, एक अल्कोहल रहेगा, एक ही कार्बन, सेम कार्बन एक अल्कोहल एक इथर, लेकिन अगर अल्कोहल ज्यादा है तो पीछे वाला कह रहा अपन कमी नहीं रखते, हाँ तो नहीं रखते हो तो ये मिलेगा एक ही कार्बन पे, इथर इथर मिलेगा, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सो यू कैन हैव दिस शॉर्टकट इन योर माइंड फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, एंड दिस इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन कि ये कैसे हुआ है, ये पूरी मैकेनिज्म की यहां पर इंफॉर्मेशन है। तो मेरे भाई इस रिएक्शन के बाद, इसकी मैकेनिज्म के बाद नोट में कुछ एक दो पॉइंट लिखेंगे,
ठीक है, नोट में पॉइंट लिखेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट आपने देखा कि रिएक्शन में केटायन बना है, जब ये वाटर निकलेगा तो केटायन बना होगा, बना है या नहीं, तो मेरे भाई कार्बो केटायन इंटरमीडिएट में लिख सकता हूं, यहां पर खुला लिख सकता हूं कार्बो केटायन इंटरमीडिएट। और सेकेंड पॉइंट बहुत मजेदार है, सोचो इसमें हम और क्या अच्छे पॉइंट्स लिख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट के बारे में सोचिए और हम अच्छे क्या पॉइंट्स यहां पर लिख सकते हैं। और अच्छे पॉइंट्स हैं नाम, आइए कुछ चीजों के नाम मैं आपको बताता हूं, सारे लोग देखेंगे ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ कैटेगरी नेमिंग, एक्चुअली ये कैटेगरी नेमिंग है, तो मैं चाहूंगा आप लोग बहुत ध्यान से ये कैटेगरी नेमिंग को समझें और देखें। मैं यहां लिख देता हूं फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकेंड पॉइंट, ठीक है, सारे लोग देखिए ये कार्बन, बहुत ध्यान से सुनना, इतना सेगमेंट आपको हमेशा दिखने वाला है, सारे इतना सेगमेंट आपको हमेशा दिखने वाला है, इतना सेगमेंट आपको हमेशा दिखने वाला है, सारे लोग देखिए एक कार्बन उसपे दो ऑक्सीजन, एक कार्बन उसपे दो ऑक्सीजन, एक कार्बन उसपे दो ऑक्सीजन, हमेशा दिखने वाला है। अब मुझे बताओ अगर ये आपका एल्डिहाइड है, बहुत आराम से सुनो, अगर ये आपका एल्डिहाइड है तो क्या मिनिमम कंडीशन चाहिए, अगर ये आपका एल्डिहाइड है तो आप बोलोगे ना कम से कम एक एच होना चाहिए, आप बोलोगे कम से कम एक एच होना चाहिए। तो मेरे भाई अगर आपका कार्बोनाइल एल्डिहाइड है, अगर आपका कार्बोनाइल एल्डिहाइड है जैसा कि मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये एक एच, ये एक एच, तो बनने वाला जो है वो एसिटल नाम रखेगा, एसिटल, बनने वाले का क्या नाम होगा, एसिटल, सारे लोग देखना बनने वाले का क्या नाम होगा, एसिटल, बहुत आराम से। और अगर कार्बन पर हाइड्रोजन है ही नहीं, अगर कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है तो उसका नाम होगा कीटल, कीटल, उसका नाम होगा कीटल, के ई टी ए एल, कीटल, ठीक है, याद रखें इस कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड हो गया, तो बनने वाला प्रोडक्ट हो गया एसिटल, और अगर हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन, कार्बन पर ऑब्वियसली ये कीटोन है, तो आपका प्रोडक्ट हो गया कीटल, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बात, कीटल हो गया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, कार्बन को देख लिया, अब ऑक्सीजन, अब अगर एक ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन है, सुन लो, अब अगर एक ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन है, इधर कर देता हूं पहला और लास्ट, और दूसरे ऑक्सीजन पर आर, और दूसरे ऑक्सीजन पर क्या है आर, आप चाहो तो पैक करके भी लिख सकते हो ऐसे, आप ऐसे लिख सकते हो, बॉन्ड बनाओ नहीं बनाओ चलेगा, सही है। तो मेरे भाई अगर एक OH है तो हमें नाम के आगे जो भी नाम है उसके आगे हमें हेमी वर्ड लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, हेमी, एच ई एम आई, सारे लोग देखो बहुत आसान, एच ई एम आई, एच ई एम आई, हेमी, और ये क्या हो गया बताइए, लास्ट वाला, लास्ट वाले का नाम मैं वापस लिख देता हूं, लास्ट वाला हो गया हेमी कीटल, लास्ट वाला हो गया हेमी कीटल, जगह का अभाव है भाई साहब, आप समझ गए हो तो अच्छी बात, इसका नाम है हेमी कीटल, हेमी कीटल। और अगर सारे आर हैं, इधर भी आर उधर भी आर, इनका नाम यही है, ये एसिटल है वो कीटल, पहली बात कार्बन पर एच है तो एसिटल, नहीं है तो कीटल, ठीक है, एक ऑक्सीजन पर एच है तो हेमी, हेमी एसिटल, हेमी कीटल, ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको दिमाग में रखना है, मैं इसे हटा देता हूं ताकि हम आगे के नोट के और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करें, हटा रहा हूं मैं, मैकेनिज्म ये गई है ऐसे और ऐसे, सुंदर सुंदर नोट्स बनाएंगे आप, हटा रहा हूं,
ओके चलिए एसिटल कीटल हेमी एसिटल कीटल के बारे में हम जान गए। नोट के दो पॉइंट हो चुके हैं, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। थर्ड पॉइंट नोट का थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि स्टडी पर चर्चा करेंगे। अभी जो हेनी अभी पढ़ा आपने, इसकी स्टडी पर चर्चा करेंगे। सारे लोग देखें, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेनी एसिटल या स्लैश हेनी कीटल कुछ भी हो, हेमी एसिटल हो या हेमी कीटल, बहुत अनस्टेबल। ये दोनों अनस्टेबल होते हैं, ध्यान से देखो। हेमी एसिटल या हेमी कीटल बहुत अनस्टेबल कहां, इन एसिडिक मीडियम हो या भाई साहब एज वेल एज इन बेसिक कंडीशन। इन बेसिक मीडियम लिख लो, कोई बात नहीं, इन बेसिक मीडियम यानी स्टेबल होता है। कैसे आओ बताएं। लुक एट ए रिएक्शन, अगर मैं आपको देता हूं ओ एच एंड ओ आर एयर, ध्यान से देखिए, और आपने यहां लिया एच प्लस, सारे देखिएगा। और अगर मैंने आपको दिया ओ एच ओ आर क्लियर, और मैंने आपको दिया बेस, दोनों केस में आप पाओगे रिएक्शन टूट जाए, रिएक्शन आगे चलेगी, कंपाउंड टूट जाएगा और आपको वापस वहां ले जाएगा जहां से आया था। देखो H प्लस तो किसी ऑक्सीजन पर अटैक कर रहा है, यहां ये रिएक्शन नई रिएक्शन है, यहां से चालू हुई। H प्लस को कहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बोलो, H प्लस को ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखेंगे ऑक्सीजन पर, आर वाले ऑक्सीजन पर। ये यहां जाएगा ओ पर प्लस आएगा, ये इसे निकालेगा, तो सी पर क्या आएगा, प्लस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा। और बनने वाली चीज मेरे भाई ये वही है जो आपने अभी पीछे पढ़ा था, हेमी एसिटल या हेमी कीटल। मेरे भाई ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अगर देखा हो तो रिएक्शन थ्रू आउट रिवर्सिबल नेचर लेके चल रहा था। तो अगर हम हेमी एसिटल पकड़ के उस पर बहुत एसिडिक कंडीशन में उसे ट्रीट कराएंगे तो ये टूट जाएगा। अच्छा तो बेस को क्या चाहिए, बेस को चाहिए एच प्लस। मेरे भाई ये ऑक्सीजन का एच, ये ऑक्सीजन का एच छीन लेगा, और ऑक्सीजन का एच छीनेगा तो बताओ ये बन जाएगा, और ये बनते ही आपको पता है ओ माइनस ओ आर को लात मार देगा। सेम एटम पर अगर कोई लिविंग टेंडेंसी रखने वाली चीज है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली चीज है तो ये इसे हटा देगा, पूरी ऑर्गेनिक में 99.999% जगह पर यही होगा। अब आपका दिमाग क्या होगा, हंड खूबसूरती है यार, 99.999 काफी होता है, फिलहाल ये करिए, वो 0.0001% कहीं आएगा तुम्हें बताओ, ठीक है। अब बताओ एच लिया ओ पर माइनस ओ आर को पड़ गई लात, तो मेरे भाई फिर से आ गया ये ओ आर को पड़ गई लात, चला कह रहा क्या बात। देखिए टूट गया है हेमी एसिटल, चाहे मीडियम हो एसिडिक चाहे मीडियम हो बेसिक, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आप अपने दिमाग में रखें। आइए अभी हमने हेमी एसिटल के बारे में करा है, अब हम करेंगे एसिटल और कीटल के बारे में, सबका हिसाब होगा, बराबर हिसाब। आइए देखिए मजेदार पॉइंट मेरे भाई, एसिटल या फिर आप कीटल लीजिए, एसिटल हो या कीटल हो, बहुत अनस्टेबल, सारे लोग देखिए, बहुत अनस्टेबल इन एसिडिक कंडीशन, अच्छा एक बात और सुनो, अनस्टेबल होना और ना होना दोनों में जमीन आसमान का फर्क। कई बार आप कहते हैं अनस्टेबल है इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बहुत लॉजिकल एंगल नहीं है, दुनिया में बहुत चीजें अनस्टेबल, अभी आप भी अनस्टेबल है, आईटी में अच्छा रिजल्ट आएगा तो आप थोड़ा स्टेबल हो गए, तो अनस्टेबल होना और ना होना ये दो अलग चीज, अनस्टेबल बहुत सारी चीजें अनस्टेबल है जो एग्जिस्ट करती है, तीन की हम होती है सारी, एसिटल और कीटल बहुत अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, एंड कैन बी हाइड्रोलाइज्ड
एंड कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड। मतलब जब हम वाटर यूज करेंगे, जब हम जल यूज करेंगे, तो आइए आप देखिए, ये है ओआर, ये है ओआर। मेरे भाई ये पिछली रिएक्शन है, वाटर डालो एसिडिक कंडीशन में, और यहां तक मुझे याद आ रहा है सब्स्टिट्यूशन चैप्टर में हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर पढ़ा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर पढ़ा है, और जर्मिनल ईथर की हाइड्रोलिसिस वहां की है। अरे जर्मिनल छोड़ो, दो छोड़ो, तीन तीन की है, ओ आर ओ आर ओ आर, तीन तीन की। ये वही रिएक्शन है जिसकी मैकेनिज्म अभी हमने पीछे की, अभी की आज ही की है, उसी मैकेनिज्म। रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो रिएक्शन कैन बी रिवर्ट बैक इनटू स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ दैट रिएक्शन। देखो मगर बोर्ड पर महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसिटल कीटल हो या हेमी एसिटल हेमी कीटल हो, एसिडिक मीडियम में तो सबकी वॉट लगती है। हाँ, ये बेसिक मीडियम में क्या होता है, क्या करता है, वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट फिफ्थ पॉइंट है, और ये फिफ्थ पॉइंट है एसिटल कीटल, एसिटल कीटल बहुत आर स्टेबल, बहुत आर स्टेबल इन बेसिक कंडीशन, है ना मजेदार। वैसे कोई गेस करेगा क्यों, वैसे कोई गेस करेगा क्यों, गेस करो गेस करो, यहां बेस ने क्या किया था, सोचो यहां, सोचो बेस ने क्या किया, यहां बेस ने एच प्लस लिया और यहां एच है नहीं, तो मेरे भाई जवाब है नो रिएक्शन। एक और बात याद रखना, ओआर इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता कि कोई एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल उसे हटा पाए, तो कोई सब्स्टिट्यूशन SN2 जैसी रिएक्शन की उम्मीद ना रखें, कोई एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल ओआर जैसे लिविंग ग्रुप को नहीं हटा पाएगा, ये याद रखें। महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है, एम मींस महा इंपॉर्टेंट, ठीक है। कर लो आज चार रिएक्शन करनी है, पहली चल रही, तीन और करनी, ठीक है भाई। लो ये हो गया इंपॉर्टेंट। अभी एक और पॉइंट है, चलते चलते सेगमेंट में, अगर आपके पास कभी चॉइस हो कि भैया एसिटल बनाओ, तो तुम एल्डिहाइड ले लोगे, दो मोल एल्कोहल ले लोगे और एसिटल बनाओगे, लेकिन याद रखना साइक्लिक एसिटल या कीटल का फॉर्मेशन हमेशा फेवरेबल होता है देन एसाइक्लिक एसिटल कीटल फॉर्मेशन। यही पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, तो सारे लोग देखेंगे, सिक्स पॉइंट है ये, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक हेमीएसिटल, हेमीएसिटल या हेमीकीटल, सही है, और एसिटल कीटल, और एसिटल कीटल डोमिनेट्स, यहां मैं लिखा डोमिनेट्स ओवर acyclic, over acyclic। ऐसा लॉजिक अगर आप ढूंढ रहे हैं तो लॉजिक भी मिलेगा, सब मिलेगा, इधर सब मिलता है भाई, टेंशन नहीं लेना। इसकी रिएक्शन मैं यहां लिख रहा हूं, छोटी छोटी लिखूंगा, आप देखो, एक रिएक्शन, वंस यू कैन थिंक अबाउट, अगर आपने ओपन एल्कोहल लिए होते HOR, HOR, क्लियर, और एक केस में आपने क्या लिया होता, साइक्लिक, आई मीन साइक्लिक फॉर्मेशन के लिए आपने ये लिया होता, ठीक है दोस्त, देख लो, तो फर्क क्या पड़ता, यहां भी जल निकलता, यहां भी जल निकलता। मेरे भाई आंसर देखना, आंसर यहां आंसर आता ओ आर, ओ आर, ठीक है, और यहां आंसर आता आपका ओ ओ ए, साइक्लिक। एक और चीज आती राइट, वो आती यहां पर जल, और वो यहां भी आती जल। अगर आप नोटिस करें तो लेस चेंज इन एंट्रोपी, नीचे वाले भी क्या है, लेस चेंज इन एंट्रोपी। अब आप कहोगे ये कैसे पता कर लिया, लेस चेंज इन एंट्रोपी, ये ऐसे पता कर लिया मेरे भाई, ऊपर वाले में देखो तीन रिएक्टेंट है, एक दो तीन,
और प्रोडक्ट में दो है, दो दो मॉलिक्यूल्स, जबकि यहां लेफ्ट में भी दो है, राइट में भी दो. तो बिकॉज लेस चेंज इन एंट्रोपी फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एसिटल कीटल और हेमी एसिटल हेमी कीटल. जब भी बात साइक्लिक सेगमेंट की चलती है तो मेरे भाई हम फाइव या सिक्स मेंबर्ड की रिंग को ही सपोर्ट करते हैं, फाइव या सिक्स मेंबर्ड की रिंग को ही सपोर्ट करते हैं. लुक एट केयरफुली, देख लें आप ये. और अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, कुछ आपको होमवर्क मिल जाएगा, आप घर से करके ले आएंगे. हटा रहा हूं मैं, हटा दे. ओके, सो मूविंग अहेड, इसके क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, ठीक है. क्वेश्चन नंबर वन, ये आपको मैंने बहुत ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड दिया है, ठीक है, ये एच प्लस. क्वेश्चन नंबर टू, ये सेम है, यहां एक मैंने ऑक्सीजन कर दिया, ये सेम है, मैंने दोनों ऑक्सीजन कर दिए. फोर, मैंने एक आर ले लिया, थोड़ा बड़ा एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है. फिफ्थ, सेम एल्डिहाइड है, फिर से एक को ऑक्सीजन कर दिया. सिक्स, सेम है, दोनों को ऑक्सीजन कर दिया. सेवन, अब मैंने कीटोन ले लिया मेरा, अब क्या दोनों आर कर दिए, दोनों आर कर देंगे तो कीटोन चालू हो जाएगा, और ये सल्फर वाला, ठीक है. एट, सेम सेम, एक सल्फर एक ऑक्सीजन. नाइन, सेम सेम, दोनों क्या हो गए, ऑक्सीजन, दोनों क्या है, ऑक्सीजन. बहुत आसान है यार, आपको क्या करना है, आपको पता है ना दोस्त, ऐसे जल निकालते ना अपन लोग, हाँ, इधर क्या बनेगा, बड़ा खूबसूरत सा कंपाउंड बनेगा भाई साहब. सारे कर और रेट कंपेयर कर लेना, रेट 1 2 3 का, 4 5 6 का, 7 8. पता है हम तीन तीन के ग्रुप में क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी कैन डील ओनली विद अ सिंगल वैल्यू. तो या तो तुम 1 2 3 का रेट कंपेयर कर पाओगे, 4 5 6 का कर पाओगे, 7 8 9 का कर पाओगे, या फिर तुम 1 का कर पाओगे, 4 का और 7 का, क्योंकि 1 4 7 में ये वाला सेम है. तो इधर एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी से आंसर है, और 1 2 3 में ये वाला सेम है, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इजी. तो आप कर लेंगे इसे. 9, 10th क्वेश्चन, सारे लोग देखो, कीटोन आपको कैसे भी दिया जा सकता है, यहां मैं कुछ भी लगा हूं यार, या मैं आपको लगा दूं, क्या लेना देना, तुम्हारी रिएक्शन तो ऐसे होती है. लुक एट दिस, ये कर लीजिएगा, बहुत आसान है. यहां पर मैं आपको तीन कार्बन भी बीच में दे सकता हूं, जैसे यहां दो हैं, 1 2 3 दे सकते हैं. अरे भाई, दो देते हैं तो 5 की रिंग बनेगी, दो देते हैं तो 5 की बनेगी, 3 देंगे तो 6 की रिंग बनेगी. आपको ऐसा वोटर निकालना है, अपने को क्या है, अपने को केवल जल निकालना है, ऐसे घटाक से हो जाएगा. 12 12 12. आइए मेरे भाई, अगर किसी कंपाउंड के अंदर ये कार्बोनाइल और ये हो अच्छे, तो 1 2 3 4 5 6, क्या आपको पता है एच प्लस डालते ही, देखो मगर बोर्ड पर, हाँ मैं जो बोल रहा हूं देख लो, ये हेमी कीटल खटाक से तैयार हो जाएगा. ये आपस में इंटरनल अटैक हो गया, हेमी कीटल खटाक से तैयार हो जाएगा. तो ये ऐसा आएगा आगे, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, कर लेंगे आराम से. अब देखिए, आपसे वो रिएक्शन भी पूछी जा सकती है जो हमने पढ़ी है नोट के पॉइंट्स में, कि ये स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है, उस पर लाइक सारे देखो.
सारे देखो बोर्ड पर, मेरे भाई ये कार्बन है जिस पर दो ऑक्सीजन लगे हैं, तो डेफिनेटली ये एसिटाइल या कीटर है। और इस कार्बन को निहारो, इस पे एक हाइड्रोजन भी है। कार्बन पे हाइड्रोजन का होना एसिटाइल का गारंटी करता है। ये एसिटाइल हो गया, दोनों ओ आर ओ आर ओ आर, मेरे भाई इस पे अगर तुमने एच प्लस और जल डाला, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर है, ये टूट जाएगा। ये हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर है, ये टूट जाएगा। दो चार हाइड्रोलिसिस दे देते हैं आप, करते रहिएगा घर में बैठ के, वैसे भी खाली बैठ के बोर हो जाते होंगे घर में। ये चुप्पी ठीक है करें भाई। एक और प्रश्न बताओ, अगर इधर ये और इधर वो, कितनी अच्छा प्रश्न, इधर ये है उधर वो, और मैं अगर यहां पर ये डालू वन इक्विवेलेंट, ये डालू वन इक्विवेलेंट, तो ये तो सेम है, ये अलग है, तो इनकी रिएक्टिविटी ढूंढ लो मेरे भाई। ये प्लस यहां ज्यादा है या प्लस यहां ज्यादा है, ये आपको चेक करना है। यहां प्लस दो दो कार्बन है, मिथाइल सेगमेंट एल्काइल सेगमेंट है, यहां कम हो जाएगा। एल्काइल सेगमेंट इज डोनेटिंग बाय आइदर ऑफ द वे हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव। यहां पर एक अच्छा है, लेस क्राउडेड भी है, तो ये यहां पर बना लेगा एसिटल, ये कीटल नहीं बनाएगा, ये एसिटल बनाएगा। तो ये एक सेगमेंट, एंड आई होप ये आप कर लेंगे, बहुत आसान है, सब में ऐसी पांच पांच की भी बनती चली जाए, ठीक है। सो इसे कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और देता हूँ, जगह दिख रही है मुझे, इसलिए मैंने सोचा आपको ये क्वेश्चन दे ही दिया। और इसमें मैंने साथ में दिया है, क्या बोलते हैं इसे, कैटीचॉल या कैटीकॉल नाम है इसका, टेंशन नहीं, ठीक है। तो प्राइमरी एमीन हो गया भाई लोग, सेकेंडरी एमीन हो गया, और अल्कोहल का एडिशन भी कर लिया है, ठीक है। और अब अल्कोहल है, नीचे लगा रहा थोड़ा पानी वानी हो है क्या, पानी मिले, बिल्कुल मिलेगा। अब हम करेंगे एडिशन ऑफ जल, महा इंपॉर्टेंट होगी एडिशन ऑफ जल, ये आसान सेगमेंट है, हटा रहा हूं उसे, इसे हटा रहा हूं, ये आसान सेगमेंट होगी एडिशन ऑफ वाटर। व्हाई इट इज इजी, उस पर भी बात करेंगे। सारे लोग देखिए, सच बताना, एडिशन ऑफ आर ओ एच पढ़ लिया तुमने या नहीं पढ़ लिया, पढ़ लिया या नहीं पढ़ लिया, एडिशन ऑफ आर ओ एच तो पढ़ लिया। सोचो अगर इस आर की जगह हाइड्रोजन हो जाए, अगर इस आर की जगह हाइड्रोजन हो जाए तो और कर, बस उधर रिएक्शन की मैकेनिज्म में आर को एच का तो वोटर एडिशन, आंसर ही आपको पता था। तो मेरे भाई बहुत सिंपल सी बात है, जेमिनल डायोल इज ऑप्टेन इन प्रोडक्ट मिक्सचर, इन प्रोडक्ट मिक्सचर। ध्यान से सुनेंगे, सारे सुनेंगे, ये है कार्बोनाइल, ये है एच ओ एच। मेरे भाई तुम कुछ भी कर लो, एक जल लो या दो जल लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, एक कार्बन पर दो एच। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज हाइड्रेशन ऑफ कार्बोनाइल, इज आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रेशन ऑफ कार्बोनाइल। और जेमिनल डायोल, एक ही कार्बन पर दो एच, जेमिनल डायोल, ये मिलेगा आपको आंसर, जेमिनल डायोल। मेरे भाई एक प्रॉब्लम, छोटे से हमें केमिस्ट्री में कुछ आता हो या ना आता हो, ये चीज हमें पता नहीं किसने बता दी कि एक कार्बन पर दो ओएच नहीं होते, एक कार्बन पर दो ओएच नहीं होते, वाटर छूट जाता। तो उन्होंने यही बताया था कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, उन्होंने ये बताया था कि ये रिएक्शन वापस जाती है। आज हम बात करेंगे कि उस बात में कितने प्रतिशत सच्चाई थी, क्या कभी दो ओएच एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, ये सीखेंगे हम आज, सही है या नहीं। तो मेरे भाई आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आईटी यहां से क्वेश्चन पूछता है। चलिए हम मैकेनियम के नाम पर कुछ है नहीं, चालू करते ही मैकेनियम खत्म हो जाएगी, कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज सेम, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता,
तुम बदल जाओगे, मौसम बदल जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। एच प्लस पहले जाएगा इलेक्ट्रोफ्लिसिटी बढ़ाने, और इलेक्ट्रोफ्लिसिटी बढ़ाने के बाद जल है कि मानता नहीं, जल करेगा अटैक, और जल करेगा अटैक तो बनने वाली चीज क्या होगी, OH2 प्लस, और प्लस आने के बाद आपको मालूम है यू कैन नॉट कंज्यूम इट, इट्स अ कैट, कैट हट जाएगा भाई साहब यहां से, मिल गया जंगल लगा, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी निकालियम है इसे। लेकिन आपको पता है एच प्लस कैटायन चैप्टर से एल्कोहल से वाटर निकालता भी है, यहां वाटर जुड़ा है यहां निकाला है, वहां भी देखो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू फॉर्म एल्कीन वाज कैटलाइज्ड बाय एच प्लस एंड रिवर्स वाज आल्सो कैटलाइज्ड बाय एच प्लस, एल्कीन पर जब वाटर डाला था बी एच प्लस डाला था, तो मेरे भाई ये रिएक्शन हाईली रिवर्स। एक मुद्दा और आता है, एक हेडिंग और आ सकती है यहां पर, और वो हेडिंग हो सकती है कि ये जो जर्मिनल डायोल्स हैं ये किन कंडीशंस में स्टेबल होंगे और किन कंडीशंस में स्टेबल नहीं होंगे। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है स्टेबिलिटी ऑफ जर्मिनल डायोल, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो ये तीनों हेडिंग एक ही कंटेंट, इसके अंदर एक ही कंटेंट है। तो आइए नोट में, हम आपको पता है नोट में हम सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखते हैं, तो नोट में हम यहां कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखेंगे। कौन कौन से वो केसेस हैं जब जर्मिनल डायोल स्टेबल हो रहा हो, आइए तो हमें इसके लिए इसके अनस्टेबिलिटी की वजह भी पता करनी पड़ेगी। इसके अनस्टेबिलिटी की वजह तभी तो पता चलेगा कि भैया क्यों अनस्टेबल था, क्यों ये एक कार्बन पर दो एयर जाते ही वाटर निकल जाता था, वह हमें समझना पड़ेगा। आइए सारे लोग देखें, यूजुअली जर्मिनल डायोल, जर्मिनल या जर्म डायोल, ध्यान से देखें सारे लोग, ये है कार्बन, ये है OH, ये है OH, क्या आप देख रहे हैं ये फोर मेंबर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड सिस्टम या फोर मेंबर्ड चिलेट बना रहा है, और आपको पता है फोर मेंबर्ड स्टेबल नहीं होता मेरे भाई, फोर मेंबर्ड अनस्टेबल चिलेट इंटरेक्शन कर रहा है। चिलेट वर्ड सुना होगा आपने, नहीं सुना इनऑर्गेनिक में सुन लीजिएगा, चिलेट फोर मेंबर्ड अनस्टेबल चिलेट सिस्टम। तो मेरे भाई ये इतना अनस्टेबल है, ये इतना अनस्टेबल है कि इसके पास इस फॉर्म में रहने की कोई वजह नहीं है, बेचारे इसके पास इस फॉर्म में रहने की कोई वजह नहीं है, तो ये एसिडिक कंडीशन में डिहाइड्रेट होकर पीछे चला जाता है। मिल गई वजह, ये अनस्टेबल क्यों, क्योंकि चार की लिंक। सोचो अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि जर्मिनल डायोल में पांच या छह का चिलेट बनने लगता, आपको पता है पांच और छह की रिंग स्टेबल होती, तो मेरे भाई फिर ये जर्मिनल डायोल इधर से हिलेगा नहीं, कहेगा अपन इधर बहुत हैप्पी। ध्यान से सुनना, हेंस यहां एक पॉइंट निकल के आता है, हेंस जर्मिनल डायोल हैविंग क्या, बोलो हैविंग 5 or 6 member चिलेट वुड बी स्टेबल, वो स्टेबल होगा, वुड बी स्टेबल एंड एग्जिस्ट करेगा, एंड एग्जिस्ट। अब आपको कि कैसे लाएंगे, धैर्य रखो बेटा, धैर्य रखो, एक पॉइंट हमें पता चल गया। दूसरा पॉइंट बताना, लुक एट दिस एंगल, इफ दिस इज अल्फा, इफ दिस एंगल इज अल्फा, एंड इसका रिवर्ट भी सोच सकते हैं, इधर बीटा करें। सोचो जैसा कि हम बात कर रहे थे अल्फा और बीटा पर, सोचो ये अल्फा अगर ज्यादा होगा, अगर ये अल्फा ज्यादा होगा तो ये OH दूर होंगे, और अगर ये दूर होंगे तो ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, अनस्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि फोर मेंबर्ड स्ट्रेन रिंग बन रही है। तो इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं, अगर ये अल्फा ज्यादा हो गया तो उल्टे सेंस में बोलो
बीटा कम हो जाएगा। बीटा कम कब होगा ये सोचो, जब ये यहां लगे हुए दो ग्रुप छोटे छोटे होंगे या बड़े बड़े होंगे। मेरे भाई अगर बड़े बड़े होंगे तो उनमें रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन लगेगा तो बीटा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा तो ये कम तो ये पास पास तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कितने की, चार। तो मेरे भाई साफ साफ समझ में आ रहा है कि बीटा अगर कम है तो अल्फा ज्यादा होगा और उस केस में भी जेमिनल डायोल स्टेबल होगा। तो हम नोट में सेकेंड पॉइंट भी लिख सकते हैं, बीटा कम का होगा जब यहां छोटे 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 आइटम्स या ग्रुप्स लगे हैं। हम नोट का सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम लिख चुके हैं। सेकेंड पॉइंट ये है, अगर मैं बोलूं लेस स्टेरिकली क्राउडेड, लेस स्टेरिकली क्राउडेड, यहां पर छोटे छोटे होंगे तो लेस क्राउडिंग की बात कर रहे हैं, लेस स्टेरिकली क्राउडेड कार्बोनाइल्स मे हैव व्हाई आई एम राइटिंग मे हैव बिकॉज भाई साहब कि क्या साइज किस लिमिट तक वो स्टेबल होगा या नहीं होगा ये मैं आपको बताऊंगा, बट ये डेटा पर डिपेंड करेगा। लेस स्टेरिकली क्राउडेड कार्बोनाइल में है स्टेबल जेम डायोल, स्टेबल जेमिनल डायोल, ठीक है। तो इसके अंदर सारे केसेस कवर हो गए हैं। तो आइए मैं यहां कुछ क्वेश्चंस देता हूं, इसके बिहार पर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन जैसे देखिएगा, ये देखिए सबसे छोटे छोटे, इससे छोटा नहीं लगा सकते मेरे भाई, ये एंगल खूब होगा, अच्छा खासा होगा। और जैसे ही हमने क्या किया, H को क्या कर दिया, CH3, अब ये एंगल बढ़ गया, पहले से बढ़ गया, ये जल, और आपको पता है H प्लस तो हर जगह लेना ही है। थर्ड क्वेश्चन, CH3 और बड़ा कर दो, और बड़ा कर दो साइज एच प्लस, ये एंगल बढ़ता जा रहा है बाहर वाला, यानी कि अंदर वाला एंगल कम होता जा रहा है, मतलब समझ रहे हो, इनॉल स्टेबिलिटी नीचे, सॉरी जेमिनल डायोल स्टेबिलिटी नीचे घट रही है। ये मैं हटा देता हूं पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं मैं हटा देता हूं। आई तो क्या फोर्थ पॉइंट, मैं एक मिथाइल मिथाइल है मिथाइल इथाइल कर देता हूं, लाइन फॉर्मूले में कर देता हूं, ये लो H2O H प्लस। क्वेश्चन नंबर 5, साइक्लोहेक्सेनोन कर लेते हैं H2O H प्लस, ठीक है, साइक्लोप्रोपेनोन कर लेते हैं मेरे भाई, साइक्लोप्रोपेनोन, दिमाग लगाओ दिमाग, कहां होगा डायोल सबसे ज्यादा स्टेबल, सोचना होगा इसके बारे में। एक और क्वेश्चन देखो, मजेदार क्वेश्चन, और ये काफी मजेदार होगा, अच्छा लगेगा, पसंद करेंगे आप इसे, पसंद करोगे भाई। देखो बहुत वेल नोन कंपाउंड है, सेवेंथ एट एक कंपाउंड और लोग, ये देखो नाम थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, एट नाम निनहाइड्रिन, याद आया ऐसे निनहाइड्रिन बनेगा। नाइन्थ कंपाउंड ले लो, डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो, प्लस जल है कि मानता नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें मैं आपको ग्लाइऑक्सल दे रहा हूं, उस पर सेम ट्राई कर लीजिएगा। अगर आपने नोटिस किया है तो आप यहां से देख सकते हैं, मैं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इधर भी है, इसमें भी देखो कार्बोनाइल पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस पर भी। इसके कई फायदे होंगे, फिलहाल इससे पहले मैं इधर बात करता हूं, इसका जेमिनल डायोल क्या बनेगा, HCH OH OH, इसके H की जगह मिथाइल आ गया है, क्या होगा CH3 CH OH OH, यहां दोनों मिथाइल आ गए CH3 OH OH, ऐसे कर लेना यार, बहुत आसान है भाई, OH OH मेरे भाई, ये चीज बहुत आसानी से समझी जा सकती है, ये तो बहुत आसान है बनाना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
तीन की रिंग पर भी बन जाएगा OH OH, यहां पर भी अभी बनाएंगे लेकिन पहले ये देखो ये एंगल सबसे कम था तो इधर OH के बीच का एंगल सबसे ज्यादा होगा, मतलब इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पा रही होगी अनस्टेबल वाली चार की रिंग वाली, इसलिए मेरे भाई इसका इसका आंसर मैं बता दूं ये जर्मिनल डायोल स्टेबल होता है। इसका अगर मैं के हाइड्रेशन की बात करूं, के हाइड्रेशन ये एक से काफी ज्यादा होता है और मेरे भाई इसका परसेंटेज जानकर आप कहीं आश्चर्यचकित ना हो जाए 99.9%। वहीं आप देखिए अब साइज बढ़ गया, ये एंगल पहले से ज्यादा हो गया तो ये कम हुआ, कम होकर क्या वो उस चार के हाइड्रोजन बॉन्डेड चिलेट में आया या नहीं आया ये डेटा है। तो ये डेटा सुन लो बेटा, ये भी स्टेबल जोन में ही रहता है, के हाइड्रेशन इसका भी ग्रेटर देन वन है, 54 या 56% के आसपास होता है, जस्ट बॉर्डर लाइन केस। हाँ ये क्लियर है, ये तो डेटा है सेकंड वाला, ये क्लियर है कि आगे नहीं होना चाहिए आगे, भाई मिथाइल हाइड्रोजन पे इतना भयंकर गिर गया, मिथाइल मिथाइल पे तो फैल जाएगा मेरे भाई, दबाव लो। तीसरा वाला अनस्टेबल, तीसरा वाला अनस्टेबल है और के हाइड्रेशन लेस देन 1 हो जाएगा, चौथा पक्का अनस्टेबल होगा यार, क्या बात कर दी तुमने अनस्टेबल, पांचवा बोलो अनस्टेबल, छठा बोलो लेकिन बोलने से पहले सोचो, नाउ थिंक अबाउट दीज एंगल्स नाउ, दिस इज 120 ये 120, तो OH वाला कम हो जाएगा, वो पास में आके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के अपने आप को अनस्टेबल कर लेगा, यहां कम है 60। मेरे भाई आप देखेंगे सिक्स्थ वाला जो है वो काफी स्टेबल जर्मिनल डायोल है, सिक्स्थ वाला काफी स्टेबल जर्मिनल डायोल और महा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7। ये इतना वेल नोन कंपाउंड है कि इसका नाम जरूर सुना होगा आपने, सुना है क्लोरल 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 सुना है, ये है क्लोरल, याद करो ध्यान दो, क्लोरल मेरे भाई देखो इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉइंग ग्रुप लगाने के फायदे, फायदा नंबर वन ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से इस कार्बन पे प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, वाटर ज्यादा मात्रा में अटैक करेगा, जल्दी अटैक करेगा, और मजेदार चीज क्या है सारे लोगों की मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और मेरे भाई आप देख सकते हैं वो चार का नहीं पांच और छह का चिलेट बनाने में सपोर्ट करते हैं, यहां आप देख सकते हैं 5 मेंबर्ड स्टेबल चिलेशन, चिलेशन को आप एच बॉन्डिंग या इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ये है मजेदार। सिमिलरली 8th भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न 8th में एक और उठता है, वाटर किस कार्बोनाइल पे अटैक करेगा, ऊपर वाले पे या नीचे वाले, सिंपल फंडा, वाटर क्या करने जा रहा है, इलेक्ट्रॉन देने जा रहा है, उसे जहां ज्यादा प्लस दिखेगा ज्यादा प्लस बीच वाले पर ही होगा, ऊपर वाला अलग खींच रहा है नीचे वाला अलग खींच रहा है, ये उधर ये इधर, बीच वाला कह रहा सर पानी पिला दो नहीं तो जान निकल जाएगी, आओ बच्चों इसे जल दे दे, और किसी हाईली रिएक्टिव को जल देना बहुत अच्छी बात है, किस्मत हो तो ऐसी, ये जो दो OH बनेंगे वो ऊपर और नीचे 5 मेंबर चिलेट बनाएंगे, देखिए दैट्स व्हाई इट्स स्टेबल एंड नोन एज निनहाइड्रिन, 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 निनहाइड्रिन। मेरे ख्याल से आखिरी के दो प्रश्न आप कर लेंगे, सो ये सेगमेंट है अल्कोहल एडिशन, सॉरी वाटर एडिशन ऑन कार्बोनाइल, इसके पहले हमने किया अल्कोहल एडिशन, तो इसे अच्छी तरीके से समझ के प्रॉपर थ्योरी नोट्स बना लीजिएगा, तो होमवर्क डिस्कशन से चालू करते हैं, ठीक है, तो होमवर्क डिस्कशन से स्टार्ट हो रहा है भाई, सारे लोग देखें आपकी कॉपी में था एडिशन ऑफ अल्कोहल से, एडिशन ऑफ अल्कोहल यहां का होमवर्क था, एडिशन ऑफ अल्कोहल, तो मैं आंसर बना रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1
उसका आंसर मैंने बता दिया था, बट फिर भी मैं बना रहा हूँ। इसका आंसर था सल्फर, सल्फर ये। सेकंड का आंसर था आपका एक ऑक्सीजन है एक सल्फर है, थर्ड में दोनों ऑक्सीजन है, फोर्थ में एक आर आ जाएगा बस, फिफ्थ में एक आर के साथ एक ऑक्सीजन सल्फर होगा, और सिक्स्थ में दोनों ऑक्सीजन होगा। ध्यान से देखिए, एडिशन ऑफ अल्कोहल में हमने ये क्वेश्चंस किए थे, ये उनके आंसर हैं। सेवेंथ की बात करें तो कीटोन चालू हो चुका था, आर सी आर, और आप ऐसे सल्फर वाले हैं, सल्फर ये पांच की रिंग देखें सर। एट्थ पर आते हैं, एट्थ आर आर और एक ऑक्सीजन एक सल्फर, नाइन्थ पर आते हैं दोनों ऑक्सीजन। ये क्वेश्चंस थे आपके पास, और आप सीधा सीधा इसमें मैंने कुछ रेट कंपेयर करने के लिए भी बोला था, तो वो अब देख लें, पर बता देता हूँ रेट कंपेरिजन का क्या रहेगा। फिलहाल पहले आंसर लिख लेते हैं, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट टेंथ, टेंथ क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो टेंथ क्वेश्चन में छह की रिंग के साथ एक पांच की रिंग बनेगी। अलेवेंथ में अगर हम बात करें तो बिल्कुल सेम तरीके से करें, तो आपको ऐसा कंपाउंड दिख रहा है और यहां से वाटर निकल जाएगा, निकल जाएगा वाटर, वाटर निकल जाएगा, तो आपको आंसर जो मिलेगा मेरे भाई, बस मैंने आर ओ एच का आर बदला है, क्वेश्चन में आर ओ एच का आर बदला है, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। ट्वेल्थ मैंने क्लास में बता दिया था, थर्टीन हाइड्रोलिसिस करनी थी, तो आप जब हाइड्रोलिसिस करेंगे यू विल गेट दिस वन, एल्डिहाइड एंड टू एल्कोहल, याद करो एसिटल इसी से बनता था, एल्डिहाइड एंड टू एल्कोहल। फोर्टींथ की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्टींथ की, तो ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, ओ एच ओ एच एंड फॉर्मेलिहाइड। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की, सो फिफ्टींथ नॉट वेरी मच क्लियर टू मी, फिफ्टींथ अभी हम कर लेंगे। सिक्सटींथ की बात करें, सिक्सटींथ आसान है, सी एच और इधर जो आपका फिनोलिक सेगमेंट है इससे ये आंसर आ जाएगा। अब आपसे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पूछी जा सकती है, जैसे अगर आप देखें तो फिफ्थ प्रोडक्ट में ये सेंटर काइरल होगा, दो आंसर मिलेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कंपेयर करें, रेट कंपेरिजन के लिए मैंने बोला था आपको, वन टू थ्री, अगर आप वन टू थ्री कंपेयर करते हैं तो आपको पता है सल्फर क्या होता है, सबसे अच्छी न्यूक्लियोफिलिक साइट। तो मेरे भाई आंसर हो जाएगा आर वन ग्रेटर देन आर टू ग्रेटर देन आर थ्री। जितनी ज्यादा सल्फर साइट्स होंगी, जितनी ज्यादा सल्फर साइट्स होंगी वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होने की वजह से ये आंसर है। फोर फाइव सिक्स में सेम आएगा, आर फोर आर फाइव आर सिक्स। मेरे भाई सेवन एट नाइन में सेम आएगा, और सब में एक ही चीज है, सल्फर अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो जितने ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट होगी रेट डेफिनेटली उतना ज्यादा होगा। मैंने एक और कंपैरिजन आपको बोला, आप 147 में भी कर सकेंगे, 147 में देखो सल्फर वाला पोर्शन फिक्स है, तो हम यहां पर देखेंगे एल्डिहाइड सबसे छोटा एल्डिहाइड, बड़ा एल्डिहाइड है कीटोन, उसकी रिएक्टिविटी के यहां पर मैं बता सकता हूं। आंसर होगा आपका आर वन आर फोर आर सेवन। सिमिलरली यू कैन कंपेयर आर टू आर सिक्स आर एट, क्योंकि टू में देखो ऑक्सीजन सल्फर है, सिक्स में सॉरी टू फाइव और एट कंपेयर होगा, टू फाइव एट कंपेयर होगा, ठीक है, सिक्स तो थ्री सिक्स नाइन कंपेयर होगा, तो टू फाइव ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन सल्फर। फिर यहां से वही एल्डिहाइड रिएक्टिविटी के बिहाफ पे आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताइए, आर टू
ग्रेटर देन आर सिक्स ग्रेटर देन आर एट और अगला तो समझ ही गए हो आप, थ्री ग्रेटर देन सेवन ग्रेटर देन नाइन, ये होगा आर थ्री ग्रेटर देन आर सेवन ग्रेटर देन आर नाइन। मेरे भाई ये है एडिशन ऑफ एल्कोहल। मैं आपको फिर से बता दूं, आपको रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये रिएक्शन आपने पढ़ी थी, ऐसे हमने जल निकाला था और पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म की, पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म की थी। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि बस हम आर बदल रहे हैं, हर जगह आर बदला हुआ है एंड एवरीथिंग इज सेम। तो मैं ये हटा रहा हूं और आज हम चालू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक नया कॉन्सेप्ट। ठीक है मैं हटा देता हूं, हटा दू आई एकदम नए टॉपिक पर चलेंगे भाइयों। और अगला एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है एससीएन एडिशन। क्या है भाइयों, आइए देखें, यह है एडिशन ऑफ एचसीएन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है तो आइए देखें कैसे करेंगे एडिशन ऑफ एचसीएन। मेरे भाई ये कार्बोनाइल है और इस पर ये एचसीएन ये ऐड हो रहा है। ठीक है, अभी तक जितनी भी रिएक्शन आपने पढ़ी सब में पीएच लेस देन सेवन था। मजेदार चीजें यहां देखने को मिलेगी आपको, एक OH जुड़ जाएगा और एक CN, ऐसे देखें H यहां चला गया CN यहां चला गया, CN है ना, H यहां चला गया CN यहां चला गया, डबल सिंगल हो गया तो OHCN। मेरे भाई इस कैटेगरी को बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। सुन लो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनोहाइड्रिन ये कंपाउंड है प्रोडक्ट की कैटेगरी। आइए मैं यहां लिख सकता हूं सेम चीज को, ठीक है ओके, साइनो हाइड्रिन इज ऑप्टेन्ड एज ए प्रोडक्ट। साइनोहाइड्रिन एज ए प्रोडक्ट आपको आंसर मिलेगा इस रिएक्शन में। मुद्दा ये है, यहां जो इंटरेस्टिंग बातें हैं उन्हें समझना होगा आपको, दैट इज सबसे हाईलाइटेड बात दैट यहां पीएच ग्रेटर देन सेवन लिया जाता है, दैट पीएच यहां ग्रेटर देन सेवन लिया जाता है। अभी तक की सारी रिएक्शन में लेस देन सेवन था, यहां ग्रेटर देन सेवन, ये बात एकदम मन में बैठ जानी चाहिए भाई साहब। ऐसा क्यों है उस पर भी बात करनी चाहिए, आखिर ऐसा क्यों, वजह क्या है। मेरे भाई आइए मैं आपको बताता हूं वजह क्या है। इन बेसिक कंडीशन बताओ, बेसिक कंडीशन में HCN क्या CN माइनस फॉर्म में रहेगा या नहीं, बताओ। यहां है पीएच ग्रेटर देन सेवन, पीएच सात से ज्यादा है तो HCN बताइए CN माइनस बेस, HCN का क्या ले लेगा H प्लस, तो क्या फॉर्म में रहेगा CN माइनस। और मेरे भाई ये CN माइनस यहां पर हम इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी नहीं बढ़ा रहे, यहां इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी नहीं बढ़ा रहे, हम न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा रहे। इसकी बढ़ानी होती तो H प्लस डालते थे, पीएच लेस देन सेवन। मेरे भाई बहुत क्लियरली देखा जा सकता है, ये कार्बन आई और ये इसके सामने आया कौन, इसे पहचानो ये है कौन, सी एन माइनस, तो आई थिंक इट वुड अटैक लाइक दिस ओके, सो आपको मिलेगा ओ माइनस और यहां मिलेगा सी एन। क्लियर, आप समझना मजेदार बात, ये ओ माइनस जो है ये खुद बेसिक हो गया और ये क्या छीन लेगा एच सी एन से एच। अगर ये एच सी एन से एच छीनेगा तो मेरे भाई क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन साइनोहाइड्रिन। देख सकते हैं आप, देख लें, दिस इज ऑल अबाउट व्हाई पीएच ग्रेटर देन 7 इज यूज्ड, बिकॉज़ एचसीएन वीक एसिड होता है मेरे भाई, एचसीएन वीक एसिड होता है तो सॉल्ट बनाने के लिए, ताकि अच्छा न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। तो मैं इस बात को नोट में लिख देता हूं, नोट में लिख रहा हूं भाई साहब, क्लियर। बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन
मैं लिखू पीएच ग्रेटर देन 7 इज यूज्ड। एक तो भैया ठीक है यूज करते हैं, दूसरी बात देखेंगे वजह, वजह रीजन एचसीएन क्या है, एचसीएन इज ए वीक एसिड, वीक एसिड, क्लियर। सो हेंस बेसिक कंडीशन इज रिक्वायर्ड, बेसिक कंडीशन इज रिक्वायर्ड, बेसिक कंडीशन हम रिक्वायर करते हैं। आइए मेरे भाई ये दो चीजें हमने यहां पर समझ ली हैं एंड ये यही इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स स्टार्ट विथ सम क्वेश्चन। लाइक मैं पहला क्वेश्चन आपको देता हूं, सरल देखिए, मैंने आपको दिया है एसीटोन स्मॉलेस्ट कीटोन। मेरे भाई समझिए, एक तो ऐसे लिख के आ सकता है एससीएन पीएच ग्रेटर देन 7, एक ऐसा आ सकता, फिर मैंने बस यहां मिथाइल मिथाइल लगा दिया है, यहां मिथाइल मिथाइल आंसर में आ जाएगा, मिथाइल मिथाइल आंसर में आ जाएगा। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सारे देखिए, मैंने आपको दिया है ये डबल बॉन्ड। आप समझना, कई बार एससीएन की जगह हम सीधा सीधा सॉल्ट लाते हैं एनएसीएन, और सॉल्ट तो एनए प्लस सीएन माइनस में टूट जाएगा और सीएन माइनस अटैक कर जाएगा। मेरे भाई सुनना, रिएक्शन में बेसिक कंडीशन की जगह हम एक बफर सॉल्यूशन लेते हैं, वीक एसिड प्लस सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या देगा सीएन माइनस इस कार्बन को, और ये क्या देगा एच प्लस, थोड़ा सा एनएसीएन डालो और रिएक्शन एंजॉय करो। कैसे, थोड़ा सीएन माइनस यहां जाएगा, ऊपर माइनस आएगा, वो माइनस यहां से एच छीनेगा, एच छीनेगा तो क्या जनरेट करेगा सीएन माइनस, सीएन माइनस फिर समझना है, तो ये सिंपल रिएक्शन है। एससीएन भाई एनएसीएन एससीएन का कॉम्बिनेशन भी हम यूज कर सकते हैं, सीएन माइनस यहां कार्बन पे अटैक करेगा बॉन्ड घूमेगी, यहां प्लस है सीएन माइनस अटैक, ओ माइनस एच, बहुत आसान है। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि इस केस में दो आंसर आएंगे, क्या आपके छोटे से दिमाग ने ये देखा, क्या ये देखा गया कि ये रेसमिक मिक्सचर बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बहुत अच्छे। आइए थर्ड क्वेश्चन देखिए, मैंने दिया है साइक्लोहेक्सेनोन, और आपके लिए मैं बता दूं आप कोई भी साइनाइड का सॉल्ट ला सकते हैं जो सीएन माइनस देता हो, फंडे को समझो, फंडे को ये सीएन माइनस देगा, और इस बार तो मैं एसीडी अलग ले आया सीएसटी सी डबल एच, या आप ये भी बोल सकते हो कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करके एचसीएन देंगे, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके एससीएन देंगे, बट आई थिंक व्हाई वी आर लुकिंग फॉर एससीएन, सीएन माइनस सीधा अटैक करेगा, ऊपर माइनस आएगा, ये एसिड एच प्लस, ये एसिड से एच प्लस ले कर लेना। फोर्थ, तो सो दीज आर द मेथड्स जिससे हम ये रिएक्शन करते हैं। एक रिएक्शन दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, ओके सो दिस इज योर एसीटोन एंड ये SCN दिया गया है, ये P है, ये हाइड्रोलिसिस किया, ये Q है, सारे लोग देखिए, तो ये बहुत आसान है। P में आपको पता OHCN आएगा, और फिर आप C ट्रिपल बॉन्ड N की हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या कर देंगे C ट्रिपल बॉन्ड N की हाइड्रोलिसिस, क्या बनता है C ट्रिपल बॉन्ड N की हाइड्रोलिसिस से एसिड COOH एसिड बनता है, बहुत ही आसान सेगमेंट, मेरे ख्याल से आप सारे लोग कर लेंगे, तो इसे हम एससीएन हो गया भैया, एससीएन एडिशन हो गया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रहा हूं, इस बार पी इधर दूंगा मैं, मैंने एससीएन डाल दिया, ओके क्यू बन गया, क्यू की हमने हाइड्रोलिसिस कर दी और आंसर आ गया लैक्टिक एसिड, आंसर आ गया लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड देखिए, उसमें ओएच भी होता है सी डबल ओएच भी, अब उल्टा चलना, उल्टा OH COOH में OH वैसे ही रखना, COOH की जगह क्या आ जाएगा CN, उल्टे में आगे गए थे तो इससे, और OH और CN से आपको P पता चल जाएगा कि SCN जोड़कर ही तो आया होगा OHCN, P कार्बोनाइल होगा। मेरे भाई ये क्वेश्चंस है SCN एडिशन, ये क्वेश्चंस हैं HCN एडिशंस के। नाउ मूविंग अहेड विद नेक्स्ट
एडिशन, ये है मेरे भाई एडिशन ऑफ सोडियम बाय सल्फाइड NHSO3, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। एडिशन ऑफ सोडियम बाय सल्फाइड, सोचो तुम छठा एडिशन पढ़ रहे हो, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, वाटर, एल्कोहल एंड SCN, ये सिक्स्थ है, और ये पहला ऐसा है जो सॉल्ट है Na+ NHSO3-, पहला है जो सॉल्ट है, यानी कि ऑलरेडी ये माइनस लेकर आया है, यानी कि इस रिएक्शन में आप ना एसिडिक कंडीशन लेनी है ना बेसिक, क्योंकि ये सॉल्ट है, सॉल्ट में इस पर माइनस ऑलरेडी होगा तो वो एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल तरह बिहेव कर लेगा। मेरे भाई ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और यहां मैं लिख सकता हूं भाई, मैं लिख देता हूं यहां पे ऑन एडिशन सोडियम बाय सल्फाइड एडक्ट वर्ड सुन के टेंशन मत लेना, एडक्ट होता है एडिशन से बना प्रोडक्ट, किससे बना प्रोडक्ट, एडिशन से बने प्रोडक्ट को एक नया नाम दे दिया, थोड़ा इधर से लो थोड़ा इधर से लो, एडक्ट ऑन एडिशन सोडियम बाय सल्फाइड एडक्ट इज ऑब्टेन्ड। मैं आपको बता दूं सोडियम बाय सल्फाइड एडक्ट जो प्रोडक्ट होता है वो क्रिस्टलाइन स्टेज में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। ओके चलिए तो हो जाए इसी बात पे रिएक्शन। मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप इस पर अपना दिमाग दौड़ाएं कि क्या आंसर आना चाहिए, ध्यान से देखो बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर, रुक जाना नहीं, जल्दी से देखो और दिमाग लगाओ। क्या आंसर आना चाहिए मेरे भाई, यहां जो ट्विस्ट एंड टर्न है वो ये है, Na+ है और HSO3- है। नाउ यू हैव टू थिंक कि HSO3- में माइनस एक्चुअली कहां है और कौन सी साइट रिएक्टिव है। मैं फिलहाल तो इसका आंसर लिख रहा हूं, फिर मैं इधर मैकेनिज्म पर भी आपका ध्यान ले जाऊंगा। सारे देखो मेरे भाई, ये है OH और ये है SO3Na। सारे लोग देखो, ये आंसर बनेगा आपका OH एंड SO3Na, यही है वो एडक्ट, पहचान लो पीछे वाले, यही है वो एडिशन से बना प्रोडक्ट जिसे हम बोलेंगे एडक्ट, क्रिस्टलाइन स्टेज में होता है। अब हम बात करेंगे आगे बढ़कर कई और मुद्दों पर, सोडियम बाय सल्फाइड एडक्ट, ठीक है मैं हटा देता हूं ये वाला PSCN वाला डंग, आइए सोडियम बाय सल्फाइड की पूरी स्टोरी को समझते हैं, पूरी कहानी को समझते हैं क्या है। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म से आपको सारा सच पता चलेगा, सारा का सारा सच पता करना है, ध्यान से देखिए। दरअसल मेरे भाई NaHSO3 जो है ये ऐसा है, सल्फर डबल बॉन्ड O- एंड डबल बॉन्ड, सही है, कुछ गड़बड़ है, ये H भी तो था HSO3-, लेकिन मेरे भाई HSO3- को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि क्या ये ऑक्सीजन सल्फर के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे सकता है या नहीं, बताओ दे सकता है या नहीं। अगर ये सल्फर के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो देखो मगर बोर्ड पर ये न्यूक्लियोफाइल दिखेगा। अब मजे की बात बताता हूं, आपकी जो 12th की एनसीईआरटी है, अगर आप लोग 12th एनसीईआरटी में जाकर झांकें, ये रिएक्शन उसमें दी हुई, कुछ एनसीईआरटी में आपको यहां से अटैक दिखाई देगा, प्रोडक्ट में साफ साफ दिखेगा ऑक्सीजन से जोड़ते हुए, और कुछ एनसीईआरटी में सल्फर से जुड़ा हुआ दिखेगा प्रोडक्ट, इसमें से केवल एक ही सही। क्लास में कई बार ऐसा होता था कि कुछ बच्चों की एनसीईआरटी में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है और कुछ की एनसीईआरटी में सल्फर होता है,
सही आंसर क्या होना चाहिए, आप भी बुद्धि लगाओ, कौन सा होगा अच्छा न्यूक्लियो फाइल, ऑक्सीजन या सल्फर? सोचो सोचो, जो बड़ा है बेहतर है, सल्फर। न्यूक्लियो फाइल याद, टॉप टू आटम क्या देखते हो, साइज, और सल्फर है लार्ज इन साइज, यानी कि बेहतर न्यूक्लियो फाइल। तो मेरे भाई सच ये है, ऑक्सीजन वाले जिन, अगर एनसीईआरटी में ऑक्सीजन दिखे तो काट देना, वहां सल्फर वाला कर लेना। ये है आपका सल्फर वाला सेगमेंट, एस डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड ओ एच, जैसे जो माइनस अटैक करेगा, बनने वाली चीज देखें सी सी ओ माइनस एस जुड़ गया, डबल बॉन्ड ओ एच, और यहां है एन ए प्लस। थोड़ा बुद्धि लगाओ और सोचो, यह है सल्फोनिक एसिड, या सल्फोनिक एसिड वाला सेगमेंट हो गया एसओ थ्री एच, ये एसिडिक नहीं महाएसिडिक होता है, ये छटाओ ऊपर माइनस इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस, मेरे भाई बहुत ज्यादा एसिडिक। तो ये इंटरनल साइड, ये इंटरनल साइड ही एच ले लेगा, और क्या बना देगा मेरे भाई, एक नजर इसको देखो, एस इधर भी डबल बॉन्ड हो, इधर भी डबल बॉन्ड हो, ओ माइनस एन ए प्लस, यही है वो ओ एच एंड एसओ थ्री। मेरे भाई कुछ एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, साफ साफ देखना, ओ एच ओ एसओ टू एन ए, इट्स एक्चुअली रॉन्ग, इट्स एक्चुअली रॉन्ग, बॉन्ड ऑक्सीजन से नहीं बनती फॉर मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, फॉर मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो ये मैं हटा रहा हूं क्योंकि ये सही नहीं है, ऊपर वाला सही है। तो मेरे भाई ये है पूरी रिएक्शन, और इस रिएक्शन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों मिलती है, इस पर करेंगे बात। हटा दू पहले ये वाला, तो हटाई थी तो वैसे भी गलत ही है। तो दिस इज ऑल अबाउट, आइए पहले मैं इसके और पॉइंट्स बता दू, आइए मैं नोट में कुछ मजेदार पॉइंट्स बताना चाहता हूं, अपना ध्यान इधर लाओ। फर्स्ट पॉइंट, ये जो एडक्ट है, इस एडक्ट को अगर तुम बेसिक मीडियम में लोगे, किसमें बेसिक मीडियम में लोगे, तो ये वापस यहां आ जाएगा। कैसे आएगा बताता हूं, बेस क्या छीनेगा, ओ का एच, जैसे उसने हेमी एसिटल और हेमी कीटल में किया था, बेस क्या छीनेगा, एच ऊपर क्या आएगा, माइनस मारेगा लात, ये बाहर, कीटोन वापस मिल गया, एक कार्बोनाइल वापस मिल गया। मेरे भाई मैं लिख रहा हूं सोडियम बाय सल्फाइड एडक्ट, डिकम्पोजिस decomposes in basic condition back into carbonyl, वापस टूट जाता है। तो back basic condition में अगर आप लेते हैं OH and SO3 Na, तो basic condition आपको मिल जाएगा वापस। एक बात, दूसरी बात सुनना जो कि बहुत मजेदार है, ये जो दूसरी बात है वो ये है, लुक एट दिस, सारे देखो इस पर, बताओ ये छोटा वाला है या बड़ा वाला है, ये छोटे साइज का है या बड़े साइज का है, पीछे वाले बोल रहे हैं सर इसे देख के अपनापन लग रहा है, हाँ ये बड़ा वाला है इसलिए आपको अपनापन लग रहा है, और ये इतना बड़ा वाला है कि बताओ जब ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो यहां लगी हुई दो चीजें, इसे हिंड्रेंस देंगे या नहीं, रिपल्सन मिलेगा या नहीं मिलेगा, सोचो मेरे भाई। इसीलिए ये हर कंपाउंड पे अटैक नहीं कर सकता, एंड आई थिंक आप सोच सकते हैं जहां हिंड्रेंस होगा ज्यादा वहां नहीं अटैक कर पाएगा ये। तो मेरे भाई इस बात को भी मैं लिखता हूं, ध्यान से सुनिए, सारे लोग ध्यान से सुनिए। सेकेंड पॉइंट, दरअसल सोडियम बाय सल्फाइड हर एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है। अच्छा ऐसा क्यों, एल्डिहाइड तो वैसे भी रिएक्टिव होता है दोस्त, एल्डिहाइड में एक एच होगा, एल्डिहाइड में एक एच होगा छोटा, उससे रिपल्सन तो लगेगा नहीं। तो यहां मैं लिख देता हूं, सारे लोग देखें, ऑल एल्डिहाइड्स, ठीक है, All aldehydes show this reaction. सारे aldehydes ये reaction show करते हैं।
लेकिन क्या ये बात तुम हर कीटोन के लिए बोल सकते हो? कभी नहीं। कीटोन में इधर भी एल्काइल, इधर भी एल्काइल, इथाइल मिथाइल, इथाइल इथाइल, इथाइल ब्यूटाइल, है भगवान ऐसा। तो इस पे कंडीशन होती है, सारे कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते, लेकिन कुछ खास क्वालिटी के कीटोन ये रिएक्शन देते हैं। आइए कैसे, कौन से हैं वो खास क्वालिटी? ऐसे कीटोन मेरे भाई, ऐसे कीटोन जिनके एक तरफ मिथाइल हो, क्या हो? मिथाइल। मेरे भाई देखो, कीटोन है तो कार्बन तो दोनों तरफ होंगे, इससे छोटा तुम क्या लगा पाओगे? एक तरफ मिथाइल। वो कह रहा है कम से कम एक तरफ मिथाइल रखना, दूसरी तरफ दो कार्बन तीन कार्बन का आप रख सकते हो। याद रखना मेरे भाई, आपको क्या बोला गया अभी अभी? ओके, ओनली, सारे देखना, ओनली मिथाइल कीटोन्स, ओनली मिथाइल कीटोन्स सो दिस रिएक्शन। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, केवल मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन शो करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं और इसके माध्यम से करेंगे। लाइक वी हैव क्वेश्चन नंबर वन, दिस इज एल्डिहाइड एंड NaHSO3। मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है, सारे एल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं। दिस इज योर कीटोन। अरे बहुत आसान है यार, यहां मिथाइल हाइड्रोजन लगा लेना, अगले वाले में मिथाइल मिथाइल लगा लेना। थर्ड मैंने दिया ब्यूटेनोन, बताओ थर्ड रिएक्शन होगी या नहीं? सारे बोलो थर्ड रिएक्शन होगी या नहीं? सोच समझ कर जवाब देना, ऐसे नहीं मुंह उठा के चल दिए बस। थर्ड रिएक्शन होगी या नहीं? होगी, इधर मिथाइल है, इधर इथाइल, मिथाइल तो है। फोर्थ होगी या नहीं होगी बताओ? इधर मिथाइल है, इधर प्रोपाइल है, बट इधर मिथाइल है इसलिए होगी। फिफ्थ बताओ होगी या नहीं होगी? फिफ्थ, फिफ्थ रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये सोचकर समझकर बताओ। इधर क्या है? दो कार्बन का इथाइल, उधर मिथाइल। ना ना ना, हिंड्रेंस ने भाई साहब निपटा दिया, तो आंसर आ गया नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होगा। सोचो सोचो सोचो, बहुत ध्यान से सोचो मेरे भाई। मैं इस नोट के ये वाला शुरुआत वाला पॉइंट हटा दे रहा हूं, ये शुरुआत वाला पॉइंट हटा दे रहा हूं, ध्यान से देखें सर। फोर्थ से तो रिएक्शन कर रहा है, ये मिथाइल कीटोन है, इससे नहीं कर रहा क्योंकि यहां मिथाइल नहीं है मेरे भाई। ये पेंटेन टू ओन, ये पेंटेन थ्री ओन, या टू पेंटेन ओन थ्री पेंटेन, एक से रिएक्शन कर रहा और एक से नहीं कर रहा मेरे भाई। अगर ये दोनों कंपाउंड एक ही कंटेनर में बंद होते, ये दोनों कंपाउंड एक ही कंटेनर में बंद होते, तो क्या सोडियम बार सल्फाइड डालकर तुम एक एक क्रिस्टल बना सकते थे या नहीं? सोचो सोचो, एक एक क्रिस्टल बना सकते थे या नहीं? और अगर हाँ आंसर है तो किसके क्रिस्टल बना सकते हो? फोर के ऑब्वियसली, क्योंकि फिफ्थ तो रिएक्शन कर ही नहीं रहा। और क्रिस्टल्स को सेपरेट किया जा सकता है, और क्रिस्टल अगर सेपरेट हो गए तो क्या पहले वाला पॉइंट, पहले वाला पॉइंट बेस डाल के वापस कीटोन में यानी कि सेपरेशन कर सकते हैं। तो मेरे भाई नोट के तीन पॉइंट के बाद मैं एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूं, नोट के तीन पॉइंट के बाद मैं एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। फॉर दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज यूज्ड, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन पीओसी, पीओसी आते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ बच्चे कहते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अरे नहीं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस रिएक्शन इज यूज इन पीओसी फॉर व्हाट? बताओ बताओ बताओ, अलग करने के लिए, फॉर डिस्टिंक्शन, फॉर पहचानने के लिए भी है और सेपरेशन के लिए भी, फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन मिथाइल एंड नॉन मिथाइल कीटोन्स, मिथाइल एंड नॉन मिथाइल कीटोन्स, मिथाइल एंड नॉन मिथाइल कीटोन्स को डिस्टिंग्विश, ये है मिथाइल कीटोन या नहीं है, क्रिस्टल बनाएगा तो है, नहीं है बनाएगा तो नहीं। मेरे भाई ये महा इंपॉर्टेंट सोडियम बाइसल्फाइट रिएक्शन, ये आपने अभी भी किया, देखिए ध्यान से।
ओके सो इसी के साथ हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो कार्बोनाइल पर है उसका सेगमेंट हमने पूरा कर लिया है।